हेलो एवरीवन, आई एम मेरिन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है छोटू दिवाली और जैसे कि हम लोग का स्कूल वगैरह खुला है तो हम लोग का पूरा ड्यूटी हो चुका है दिन का। और अभी शाम का टाइम है, मैं बाबू को लेके आई हूँ टाइक्वांडो का क्लास में। और पिछले दो दिनों से रात को बाबू और मेरे काम बस यही होता है कि दिया को कलर करना, और वही चल रहा है। और घर में जब भी पूजा वगैरह होता है ना, बहुत सारा मिट्टी का दिया निकलता है और मैं उसे रख देती हूँ और दिवाली में पेंट करके उसे रीयूज़ करती हूँ। ये थोड़ा डिज़ाइन वाला टेराकोटा का दिया है जिसको मैंने फैब्रिक कलर से कलर किया हुआ है। मुझे अच्छा लगता है ऐसे कलरफुल वाला दिया यूज़ करना। घर में जाके दिखाएंगे। तो हम लोग निकल के आए थे और कुछ दिवाली का सामान खरीदने के लिए और दिया वगैरह तो काम पूजा का सामान का हो गया। और हम लोग ये सब नीचे भी है, घर में जाके बाद में दिखाएंगे। कुछ खरीदने आए थे और हस्बैंड गया है यहाँ पे मेरी मेडिसिन लेने के लिए। और हम लोग नानी के घर पे जा रहे हैं। नहीं जाएंगे, नानी मेरा नानी होगा। और हस्बैंड गया है मेडिसिन, मतलब ढूंढना पड़ता है, जल्दी से नहीं मिलता है। और हम दोनों यहाँ पे बैठ के लड़ाई खा रहे हैं, भूत भूत खेल रहे हैं। मैं बाबू को डरा रही हूँ और बाबू डर रहा है। तो हाँ, हेयर कटिंग के बाद शायद मैं फर्स्ट ब्लॉग कर रही हूँ। और कल दिवाली है, दिवाली का भी ब्लॉग करेंगे। पता नहीं मैं कब एडिट कर पाऊंगी, कब डाल पाऊंगी, लेकिन ब्लॉग बना। कल दिवाली कितना मजा होगा। अब तक मैंने दुर्गा पूजा का भी ब्लॉग नहीं डाला है और बस वीडियो बना के रख दी है एडिट करने के लिए। मुझे सचमुच में एकदम टाइम नहीं मिल पा रहा है। भांग ना और ये सब दिवाली का सामान है जो हमें फोड़ना है और जलाना भी है। ये देखिए, बहुत ही मजे का चीज़ है ये। 40 रुपीज़ पर पैकेट लिया है और अच्छा है, आग वगैरह कुछ नहीं निकलता इससे और घर के अंदर भी फोड़ा जा सकता है। और बाबू को ऐसे भी फटाके से डर लगता है तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। और आज है नेक्स्ट डे और अभी भाई आया है और हम लोग के लिए पिज्जा लाया है, तो हम अभी पिज्जा एंजॉय करने वाले हैं। आज एक्चुअली काली पूजा है और हम लोग काली पूजा और दिवाली का बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि उसका टाइम मतलब थोड़ा सा गड़बड़ निकला है। और पिज्जा बहुत ही यम्मी है, तो दिखाती हूँ मैं अपने घर को कैसे सजाती हूँ दिवाली में। तो हम लोग का यहाँ पे लक्ष्मी पूजा तो नहीं होता दिवाली के दिन, और लक्ष्मी पूजा हम लोग का पहले ही हो जाता है। और मैंने दिया लगाया है यहाँ पे। हम लोग मेनली सरसों का तेल का दिया लगाते हैं और ज़्यादा जगह मेरे पास नहीं था दिया लगाने के लिए, जो भी था मैंने लगा दिया। और यहाँ पे फेरी लाइट लगाया हुआ है और ऊपर एक डिस्को लाइट जल रहा है। और ये है अंदर का, लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। और मैंने सिंपल सा सजाया हुआ है, ऐसे भी मुझे ज़्यादा क्लाटर पसंद नहीं है। और यहाँ पे मैंने टी लाइट कैंडल लगाया हुआ है, तो यहाँ पे तेल डाल के दिया जला दूँगी ना दिया ख़राब हो जाएगा, इतना मेहनत से बनाया है।
और इसलिए मैंने यहाँ पे कैंडल लगाया हुआ है। बाहर सारा सरसों का तेल का है और यहाँ पे भी एक कैंडल लगाया हुआ है, और बाकी एज यूजुअल है। और मंदिर का लाइट नहीं जला है अब तक, तो जलाऊंगी। और किचन में कुछ खास नहीं, बस एक कैंडल जला के रखा है, और हम लोग हर एक रूम में कैंडल जलाते हैं, कैंडल या दिया कुछ भी हो। और यहाँ पे भी एक कैंडल, यहाँ पे भी कैंडल। तो हम लोग का पूरा दिवाली के लिए रेडी हो चुके हैं। वहाँ पे शोर हो रहा है तो मैं यहाँ पे आई हूँ। तो बाकी का सारा काम हो चुका है और ऐसे मैंने ओवरव्यू दिखाई दिया आप लोग को, और अभी हम फोड़ेंगे बूम वगैरह। तो मैं जा रही हूँ नीचे। कोई पलाय मत खा, बोल दी से ज़्यादा पलाय ने कहा कोई नहीं, फोटो फोन ले लिया। बाबू तो फुलझड़ी नहीं जला रहा है, उसे डर लगता है, वो पास भी नहीं आता, देखने से ही डरता है। और मैं ही जला रही हूँ, वो देखते ही भागता है। वो तो बस वो फटाका फोड़ रहा है नीचे, गंदा कर रहा है पूरा। मैंने इस बार रंगोली नहीं बनाई है। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं हस्बैंड की दीदी के घर, जी हाँ नैन्सी का घर। बर्थडे मैंने पहले व्लॉग में शेयर की थी। महल जा दीदी का घर से निकल के हम लोग गए मम्मी के घर, और मम्मी और पापा को लेके आए हैं पूजा देखने के लिए। और आज सचमुच बहुत ही मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत ही फोड़ा फटाका, और मैं भी नहीं फोड़ पाती, मुझे डर लगता है। कोई फोड़ता है तो मुझे भी मज़ा आता है, लेकिन मैं खुद से नहीं फोड़ पाती।
घर से निकल के आए हैं काली पूजा देखने के लिए। तो अब तक तो रात का बहुत 12 बजने वाला है, तो पूजा चल रहा है और भीड़ बहुत ही कम है, मतलब ज़्यादा लोग पहले से आगे चले गए हैं और हम लोग अभी आए हैं। और आसपास का देखते हैं कितना देखने को मिलता है। और हम लोग वापस घर पहुंच गए हैं। बाबू का जो भी था वो सब फोड़ के ख़त्म कर रहा है क्योंकि बहुत सारा बच गया था। और हम लोगों ने फुलझड़ी भी जला ली है। आई होप आप लोगों को दिवाली का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और आज के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ।